नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। पिछले काफी दिनों से कुछ जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप पॉली हाउस पे कोई वीडियो बनाइए। इससे पहले हमने एक लॉकडाउन के बीच में एक पॉली हाउस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं आपको पूरे पॉली हाउस का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज जिस हम पॉली हाउस में खड़े हैं ये बिल्कुल दिल्ली NCR से सटे हुए नोएडा में है। तो पॉली हाउस में क्या क्या सब्जियां हम मुख्यतः करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉली हाउस में हमारे सामने टमाटर हो रखा है, कैप्सिकम है, खीरा है और कुछ क्षेत्र में हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी कर रखी है। पॉली हाउस का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं दिखाऊंगा, आप एक बार कैमरे से मैं कहूंगा कि दिखाएं एक बार। सबसे पहली बात, जो पानी की हमारी बचत होती है ड्रिप एरीगेशन के थ्रू, टिप टिप पानी हम लोग डालते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ से हमारी पौध जा रही है और बिल्कुल जितना पौधे को आवश्यकता है उतना पानी हम इसमें देते हैं। पौधे की बढ़वार प्रॉपर रूप से होती है। अगर यही फसल को आप शिमला मिर्च को, टमाटर को, खीरे को अगर अपने नॉर्मल खेत में लगाते हैं, उस पर आप मचान भी लगाते हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट 5 फीट तक आप ले सकते हैं प्रोडक्शन। लेकिन यही इसके आप देखेंगे तो 7-8 फीट 9-10 फीट तक ये जा रहा है पूरा। आप सामने दिखाएं एक बार, ये सामने आपके चेरी टमाटर हो रहा है, ये कैप्सिकम हो रही है, तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये आपके सामने मेरा खीरा हो रहा है और ये देखिए आप, ये चाइनीज खीरा है। ये खीरा मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत अच्छी तरीके से आजकल ये काफ़ी प्रचलित है, इसको सैलेड में काफ़ी यूज़ हो रहा है। आजकल शादी जितने भी रिसेप्शन वगैरह होते हैं लोग आजकल घर में भी इस खीरे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये खीरा और इसमें कुछ जहर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल खीरा जो होता है उसके बीज काफ़ी होते हैं, ये सीडलेस काइंड ऑफ होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेन चीज़ मैंने आपको बताई, एक तो ये है कि जो पॉली हाउस होता है उसमें आप 12 महीने में से कभी भी कोई भी सब्जी ले सकते हैं मौसम के विपरीत। इसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है जो भी आपकी फसल है। ऊपर आप देखेंगे पानी के लिए, नीचे ड्रिप एरीगेशन है, ऊपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, गर्मी हो जाती है तो प्रॉपर इसके लिए शॉवर दिए गए हैं, इसमें से पानी आता है। दवाई अगर कोई आप ऑर्गेनिक दवाई यहाँ पर छिड़की जा रही है तो आप उसके थ्रू इस पर स्प्रिंकल्स के थ्रू आप इस पर पूरी बौछार कर सकते हैं। जो इसका फ्रेम है ऊपर आप देखेंगे प्लास्टिक शीट बिछाई गई है, हवा आंधी तूफान मच्छर और जिस तरीके की जो कीट पतंगे होते हैं उनसे बचाने के लिए पूरी शीट्स होती है और ये लोहे के फ्रेम पे पूरी बनाई जाती है। पॉली हाउस को लगाने के लिए सरकार आजकल सब्सिडी दे रही है आपको। अगर आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए नेट के थ्रू अपना फॉर्म डाल सकते हैं, कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं और आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जाके अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको इस पर सब्सिडी भी मिलती है, तो आपको लोन हो जाता है, फाइनेंस हो जाता है, तो आसानी से आप पॉली हाउस लगा सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें यह है कि आपकी फसल नहीं मारी जाती। बहुत से लोग आजकल पॉली हाउस में फूलों की खेती भी करते हैं, काफ़ी सारे जो शादियों में विवाहों में यूज़ होते हैं वो वाले फूल चल रहे हैं आजकल, लेकिन ये सब्जी मुख्यतः 12 मासी चलती है। तो ये जो वीडियो थी, आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये वीडियो खासकर अपने उन साथियों के लिए जो पॉली हाउस खोलना चाहते हैं या पॉली हाउस की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये खासकर वीडियो हम उनके लिए लेकर आए हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस पॉली हाउस में एक नया प्रयोग किया गया है। ये स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट्स लगाए गए हैं और इनमें फूल भी आने लगा। ये देखिए पास से आके एक बार दिखाएं कितना सुंदर ये फूल निकला हुआ है। तो ये थी वीडियो पॉली हाउस को लेकर और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं खेती बाड़ी से संबंधित, पौधों से संबंधित, तो हमारी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा अच्छा सुंदर सा फार्म है जिस पर आप फिल्म बनवाना चाहते हैं हमसे खबर किसान की के माध्यम से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे अंकित शर्मा को खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।